हेलो इंडिया, वेलकम टू सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई। मैं हूं जस, और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं आफ्टर फिनिशिंग योर कोर्स आपको करना क्या चाहिए। आपने एक हेयर कट का कोर्स किया या मेकअप का कोर्स किया, आपको करना क्या चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स पूरा करने के बाद में आपको अपना सैलून नहीं खोलना चाहिए। उसमें रीजन ये है कि जब आप अकेडमी में काम करते हो, आपके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं आता। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि वो कोर्स सिर्फ ज्वाइन करते हैं इसलिए क्योंकि उनको अपना सैलून खोलना है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि प्लीज आप लोग कोर्स पूरा करने के बाद में कभी भी अपना सैलून ना खोलें, और सैलून हमेशा तभी खोलें जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो। सबसे पहले कोर्स के बाद में 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद में आपको जॉब करना चाहिए। जॉब करने के बाद में आपको अपना सैलून को सोचना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक लॉयर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, सीए की, देखिए ये सब बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब्स है और उसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कभी भी किसी सीए से मिलोगे या किसी डॉक्टर को मिलोगे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक डॉक्टर बनने से पहले या एक इंजीनियर बनने से पहले या एक सीए बनने से पहले। अभी उनका प्रोसीजर क्या होता है, उनका प्रोसीजर होता है कि पहले तो वो लाखों रुपए खर्च करते हैं सालों के लिए। ये प्रोसीजर में उनको 4 से 5 साल लगते हैं, 5 साल नॉर्मली इनको लग जाते हैं। 5 साल के बाद में उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अभी इंटर्नशिप का मतलब है वो किसी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप करते हैं और उस इंटर्नशिप में उनको पैसा भी नहीं मिलता। उसके बाद में जाके वो जॉब करते हैं और उस जॉब में भी उनको जो सैलरी मिलती है ना, इट इज लाइक नथिंग। वो जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस आता है। देखिए, अभी इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम 6 से 7 साल के प्रोसीजर में उनके पास में अभी तक पैसा आया नहीं है, सिर्फ गया है, उनका टाइम गया है, उनका पैसा गया है, और वो सिर्फ अभी तक मेहनत कर रहे हैं। दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। 7 साल के बाद में जब उनके पास में एक्सपीरियंस आ गया, देखिए प्रोसीजर हो गया ना, पूरा पैसा आने के बाद में अब उनके पास में अर्निंग शुरू होगी, और ऐसी अर्निंग शुरू होगी कि वो लाखों रुपए कमाने वाले हैं, लाखों रुपए। समझ में आ रहा है, कितनी मेहनत करने के बाद में। वो भी अगर उन्होंने अपना नया सेटअप शुरू किया तो क्या उस नए सेटअप में उन्होंने आज खोला और आज ही कमाई शुरू हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो उनको भी उसमें भी उनको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में जाके वो अर्न करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर एक हेयर स्टाइलिस्ट है, उनको भी इसी प्रोसीजर से ही निकलना चाहिए। बच्चे आते हैं, उन्होंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में जाते हैं ना, उनको इमीडिएटली 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले काम को। देखिए, जो आपके पास एक्सपीरियंस एकेडमी का था, एकेडमी में आपने कितना भी मेहनत की हो, लेकिन जब आप सैलून में जाते हो तो बिल्कुल एक अलग एनवायरनमेंट होता है सैलून का, एक बिल्कुल अलग आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ता है, एक अलग तरीके का आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सीरियसली आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके आपको एक अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेड होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी बच्चे एकेडमी से पास आउट होके जाते हैं, पहले तो उनको इंटर्नशिप करनी बहुत जरूरी है। किसी भी एकेडमी से करो, इंटर्नशिप करो, और उस इंटर्नशिप में आपको अगर पैसे नहीं भी मिले ना, तब भी काम करो। ये जो इंटर्नशिप जो है ना, ये आपको सिखाता है कि आपको काम कैसे करना है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, आपको कैसे काम को करना है। तो ये आपको समझ में आएगा तब जब आप इंटर्नशिप करोगे, और इंटर्नशिप ऐसी जगह पे करना जहां पे खूब काम हो, जहां पे स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे हो, जहां पे वो लोग काम की तरफ फोकस करते हो, ऐसे के अंदर आप अपने इंटर्नशिप करना, जो इंसान अच्छा हो, जो आपको सही रास्ता बता सके, जो आपको गलत रास्ते पे ना लेके जाए। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको नेगेटिव ऐसे भी मिलेंगे, अभी क्यों करना है इतनी मेहनत, मत कर इतनी मेहनत, अभी आया है ठीक है ना, आए बाहर जाए, सिगरेट पीनी है बाहर जाके, घूमना फिरना है, काम की तरफ फोकस नहीं, ये नहीं करना चाहिए। आपको एक एम पकड़ के चलना है कि मेरे पास में इतना टाइम है, ये आपको बिल्कुल समझना है, ये उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक्स हमें बहुत बूस्टअप करते हैं। कीप लाइकिंग इट, कीप शेयरिंग इट, थैंक यू सो मच। और ये जो नंबर देख रहे हैं ना आप, ये नंबर मेरा ही है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। और अभी मेरे को बहुत सारे व्हाट्सअप पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ देखना है, वी आर वर्किंग ऑन इट, बहुत जल्दी आपके लिए अभी नए नए बहुत सारे और टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। तो कीप वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय।